और यहाँ बीजेपी के भी विधायक हैं, बड़े भाई हैं, सब लोग हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम तो इनसे भी आवेदन करेंगे कि राज्य सरकार बिना पक्षपात के, जिस हिसाब से हम लोग मिलजुल करके सभी क्षेत्रों का काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से कम जो प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी चुनाव के समय, कम से कम उसको तो आप लोग पूरा कराने का काम कीजिए। 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज, 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने बोलने का काम किया था, क्या हुआ 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज? एक पैसा नहीं मिला। हम तो चाहेंगे कि अगर 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज अगर आ जाता है तो उसमें आपका, हम लोग, सब लोगों का काम होगा, सब लोगों का विकास होगा। तो जितने मान्य सदस्य बीजेपी के भी हैं, वो लोगों को भी इन चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए, जाहिर चीजों के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए। हम लोग सदन में रहते हैं और यहाँ सदन में बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी और प्रेम कुमार जी हैं, हम ही से सवाल पूछते हैं कि इतना पुल बन गया लेकिन पहुंच पथ नहीं बना। आप ही बताइए कि 1 साल हमको हुआ बने हुए और ये जो पुल जितना बना दिया गया बिना पहुंच पथ के, ये निर्णय किसका था? ये तो आप ही के मंत्री थे, बीजेपी के मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी रहे, प्रेम कुमार जी रहे और उसी में सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे। ये तो उन लोगों की नीति थी, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था। करोड़ों रुपया ठांस दिया गया, पुल बन गया और इधर से ना उतरने का है ना चढ़ने का रोड है, तो उस पुल का क्या काम है आप बताइए? और हमसे सवाल कर रहे हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, कि आप क्यों नहीं बना रहे? हमने बोला आप ही की गलती को हम ठीक कर रहे हैं। अब हम लोग निर्णय लिए कि भाई साथ साथ बनेगा, ताकि 5,000 का पुल हम लोग राघोपुर और ये कच्ची दरगाह से बिदुपुर बना रहे हैं, जिसमें कि 5 घंटे का जो लक्ष्य है उसमें पूरा करने में सहायता करेगा किशनगंज जाने में। अगर हम खाली बीच में गंगा जी में पुल बना दे 5,000 करोड़ का और दोनों तरफ पहुंचे पथ ना दे, तो उस पुल का सोचे कि क्या काम, और उतना 1,000 करोड़ रुपया डूबेगा कि नहीं डूबेगा? तो वैसा निर्णय जो लिया गया उस समय उसको हम ठीक कर रहे हैं। अब हम लोग निर्णय लेंगे बिना पहुंच पथ के, बिना जमीन को अधिग्रहण किए हुए हम काम शुरू नहीं करेंगे। अब पुल निगम को निर्देश भी दिया गया है कि जितने पुल है, लगभग 150 ऐसा पुल था पूरे बिहार भर में, 150 पुल हमने समीक्षा की, 150 पुल ऐसे बन करके तैयार है लेकिन रोड ही नहीं उतरने चढ़ने के लिए, क्या फायदा? और मांग और पुलों की हो रही है। तो पुल निगम को हमने निर्देशित किया है कि सबसे पहले इनका पहुंच पथ आप बनाने का काम कीजिए, बाद में जो नया काम आएगा उसमें आप देखने का काम कीजिएगा। लेकिन समझिए कि पूरे बिहार में अगर 150 पुल का निर्माण हो जाता है पहुंच पथ का, तो कितना जगह पुल का उपयोग होगा और लोगों को कितनी सुविधा होगी। ये तो उन लोगों की गलती थी, वो तो उन लोगों को पूछना चाहिए था, अपने आप से पूछना चाहिए था, जो कि नहीं पूछे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों का फर्जी है और जिम्मेदारी है कि किसी के गलती को हम लोग सुधारें, सही निर्णय लेकर के उसका उपयोग हम लोग करने का काम करें। उस दिशा में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काम करने का काम कर रहे हैं।